प्रभात। पिछली कक्षा में हमने पाठ एक के प्रश्नोत्तरों की चर्चा की थी। आशा है कि आपने अपना कार्य हिंदी की कॉपी में पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ दो पढ़ेंगे। कहानी का नाम है भाग्य के भरोसे। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं तथा भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन रूपी उद्यान में खुशियों के फूल अपनी महक भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते सचेत नहीं होते, उनको सदा दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नदी में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी और उन मछलियों के साथ तीन बड़ी मछलियाँ भी रहती थीं। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरी का नाम पारो और तीसरी का नाम सुनिधि था। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहती थी। एक दिन शाम के समय सभी मछलियाँ नदी के जल में उछल कूद कर रही थीं कि वहाँ से कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। मछलियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और आपस में बातें करने लगे कि हम एक दिन इस नदी पे आएंगे और जितनी भी अच्छी मछलियाँ होंगी हम उनको पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। अन्य मछुआरों को भी यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मछुआरों की बात सुनकर सभी मछलियाँ भयभीत हो गई कि अगर मछुआरे आएंगे और हमें पकड़कर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जिसमें तीनों मछलियों ने अपने अपने सुझाव प्रकट किए। इस समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हीरा मछली बोली, मेरी राय में किसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका निराकरण कर लेना चाहिए, अतः हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी में अन्यत्र चले जाना चाहिए, यही हमारा सर्वोत्तम उपाय होगा। पारो मछली बोली, बहनों इसमें घबराने की क्या बात है, संसार में सबसे अधिक प्रबल भाग्य होता है, भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए कहीं दूसरी जगह जाने से प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, अगर हमारे भाग्य में लिखा है मरना तो हम अवश्य ही मरेंगे। हीरा और पारो की बातें सुनकर सुनिधि कहाँ वह चुप रहने वाली थी, वह भी तुरंत पूरे उत्साह से बोली, हमें आने वाली परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, केवल मछुआरों की बातों को सुनकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पहले हम देखें तो वे मछुआरे आते हैं भी कि नहीं, इसलिए मैं तो यही रहूँगी और परिस्थिति का सामना ही करूँगी और साहसपूर्व इसका सामना करूँगी। कुछ समय पश्चात सभा समाप्त हुई। हीरा मछली अपने परिवार के साथ दूसरी नदी में चली गई, किंतु पारो और सुनिधि उसी नदी में रह गई। अगले दिन प्रातः जब मछुआरे उस नदी पर आए और उन्होंने पानी में जाल बिछा दिया, उस जाल में अन्य मछलियों के साथ पारो मछली भी फंस गई। उसने सोचा, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था, इसीलिए मैं जाल में फंस गई, अतः मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। सुनिधि मछली ने जब मछुआरों को जाल बिछाते देखा तो उसने निश्चय किया कि अब उसकी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ पहुँची है और तुरंत ही समस्या का समाधान खोज निकालना है। वह फुर्ती से गहरे जल में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार वह जाल में फंसने से बच गई। बच्चों, सच है जो लोग भाग्य के भरोसे रहते समय परिश्रम नहीं करते, वे पारो मछली की भांति कष्ट भोगते हैं। दूसरी श्रेणी में सुनिधि मछली की भांति वे लोग आते हैं जो संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान करते हैं। तीसरी श्रेणी में हीरा मछली की तरह वे लोग आते हैं जो विपत्ति के आने से पूर्व ही उसका निदान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि हमें किस प्रकार मुसीबत का सामना करना चाहिए, अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और विपत्ति के आने के पूर्व ही उसके निदान के बारे में सोच लेना चाहिए। धन्यवाद।